तो दोस्तों स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज में। आज हमारे पास है सुजुकी की वेगन आर LXi ओल्ड मॉडल नॉन इमो वाली, जिसमें ट्रांसपोंडर नहीं होता, विदाउट कोडिंग वाली होती है। इसमें प्रॉब्लम है, गाड़ी हिट हो रही है, गाड़ी इसका ऑटोमेटिक फैन वर्क नहीं कर रहा है और हमारे पास ये जुगाड़ लग के आया हुआ है। इसमें जुगाड़ में ये स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्विच खींचने के बाद ये फैन चल रहा है। तो कस्टमर ने हमें ऑटोमेटिक करने का ये कहा है कि इसमें ऑटोमेटिक हमारा फंक्शन वर्क करना चाहिए। एसी पे भी इसका, एसी ऑन करने पे भी इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। तो फ़ैन का इसका टेम्प्रोरी जुगाड़ लगाया हुआ है और जुगाड़ काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, जिसने भी लगाया है बहुत अच्छा लगाया है। तो चलिए आज हम पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये चलता क्यों नहीं है। और अगर आप रास्ते में हैं, आपकी गाड़ी गर्म हो जा रही है, फ़ैन नहीं चल रहा है, तो आप इसको बाईपास करके कैसे चला सकते हैं, अपना सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका किसी तरह दिक्कत आ रहा है तो आइए बाईपास करके पहले हम देखते हैं। तो इसका हुड हम ओपन करेंगे सबसे पहले और इसका ब्रैकेट लगा लेंगे। ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट लग चुका है। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता चलूं। जैसे कि ये वायर जो लगा हुआ है, ये बाईपास सिस्टम जुगाड़ पे लगा हुआ है और अच्छा जुगाड़ लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ये रेडिएटर फैन का ये आपका रिले है, वेगन आर, अल्टो, LXi, VXi जितना भी मॉडल है, इसमें ये आपका लोकेशन है रेडिएटर फैन का, ठीक है। तो रेडिएटर फैन को हम बाईपास कैसे कर लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। ये तो टेक्नीशियन ने जुगाड़ लगाया है, ठीक है ना, ये ग्राउंड सप्लाई दिया है इसमें, तो इसको हम हटा लेंगे यहाँ से और एक वायर को इसमें लगाएंगे। ये थोड़ा मोटा है, एक नॉर्मल वायर चाहिए आपको जुगाड़ करने के लिए। एक वायर इसमें लगाएंगे और दूसरा वायर इसमें लगाएंगे, तो ये फैन हमारा इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे फैन लगाने से, यहाँ पे वायर लगाने से ये फैन अगर नहीं चलता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप रास्ते में फंसे हुए हैं तो उसके लिए ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है, यहाँ पे एक वायर लगा देंगे। देखिए अभी फैन हमारा बिल्कुल ऑफ है, स्टैंड कंडीशन में है। हमने एक वायर देख लिया यहाँ पे, यहाँ पे लगाया है आगे के साइड में मोटे वाले पॉइंट पे, और एक वायर को हम यहाँ डायरेक्ट, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा फ्यूज वगैरह या आप रास्ते में फंसे हैं, आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, तो खोल करके यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगा देंगे। आप अपने वर्कशॉप, नियर वर्कशॉप के पास पहुँच करके अपना काम करवा लें, रास्ते से जो गर्म होने का शिकायत है वो आपका हल हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें ऑटोमेटिक का काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लगा हुआ इसका थर्मल स्विच, ये नीचे में वो सामने दिख रहा है ये वाला स्विच, ये इसका टेम्परेचर स्विच है ना, ये वाला। तो इस कपलर को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी, तो ऑटोमेटिक चलने लगता है। लेकिन हमारी इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, नहीं ऑटोमेटिक चल रहा है और ना ही वो निकालने पे चल रहा है, लेकिन हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली और हमारा ये भी शो कर रहा है, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का जो आपका पैरामीटर होता है स्कैनर में, वो भी शो कर रहा है। तो इसमें जो जुगाड़ लगा हुआ है, ये भी अच्छा जुगाड़ लगा हुआ है। टेक्नीशियन टेम्प्रोरी अगर आपका काम नहीं कर रहा है, इश्यू सप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये जुगाड़ आप लगा के मिनिमम बजट में अपना काम चला सकते हैं। तो ये ग्राउंड पे लगा हुआ है, मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि बताया मैंने, ये वाला स्विच है इसका, तो ये स्विच को हम जैसे पुल करेंगे तो ये फैन हमारा चलना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो ये हमारा मैनुअल चेक करने का जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया। ये जो मैंने रिले का कनेक्शन लगाया हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से बिल्कुल, ये वाला अलग कर देता हूँ। अभी ये ओरिजिनल फंक्शन पे आया है, ये अभी इसमें कोई एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं है। अब हम सिस्टमेटिक जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसको करके देखते हैं कि ये सिस्टमेटिक चल रहा है कि नहीं। मैंने इसको खोला हुआ है यहाँ से, यह टेक्नीशियन भाइयों के लिए है,
वो कस्टमर के लिए था, वो बाईपास करने के लिए। अभी इसको हम बंद करते हैं। ईसीयू तक ये सप्लाई आ रहा है, टेम्परेचर हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है। तो जिसके पास स्कैनर है उनके लिए मैं सबसे आसान तरीक़ेकार ये बताता हूँ। यहाँ से ऑन करके अपना डाइकजोन का ऐप खोल लेंगे हम। तो ये वेगनार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वेगनार अल्टो सारे में स्कैन हो जाता है। मारुति का लगभग एरो 3 का सारा वेरिएंट मैच करता है। मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा इसमें, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये ओल्ड मीनू पे लेंगे हम, वेगनार है हमारी, लेकिन अल्टो पे हम इसको स्कैन करेंगे। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एम्प्टी, रीड फॉल्ट कोड नो फॉल्ट डाटा, इसमें कोई डेटा फॉल्ट नहीं है, कोई ओबीडी लैंप नहीं है, फिर भी इसका फ़ैन ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे आसान जो अपना तरीक़ेकार है चेक करने का और फास्ट जो है उसको हम यूज़ करेंगे, और रेडिएटर फैन कंट्रोलर का एक्चुएशन टेस्ट। इसमें कुछ टर्म कंडीशन है, सेट ब्रेक, स्टॉप इंजन, इग्निशन ऑन, प्रेस टू कंटिन्यू, ओके, सारा प्रोसेस हमारा ओके था। तो रेडिएटर फैन स्टेटस, रेडिएटर फैन कमांड, ये सब ऑफ है अभी। तो यहाँ से हम ऑन करते हैं इसको, यहाँ से हमने ऑन किया, जबकि ना ही हमें रेडिएटर फैन का साउंड आ रहा है और ना ही वो चल रहा है, ठीक है। कमांड जो कि ये ऑन हो रहा है, मैंने डायग्नोसिस किया हुआ है, यहाँ से इसका कमांड आ रहा है ऑन का, लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में सिर्फ दो प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि हमने रिले के पास से डायरेक्ट किया था, तो ये स्विच हमारा लगा हुआ है, यहाँ से जब हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा फैन चल रहा है बिल्कुल। तो यानी कि ग्राउंड जो इश्यू सप्लाई आता है वो हमने स्विच से दिया हुआ है, किसी भाई ने दिया था, तो वो चल रहा है बिल्कुल। तो इस कमांड को अप्लाई करने से अगर ये फैन नहीं चल रहा है तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इश्यू फॉल्टी है इसका, ठीक है, या फिर यहाँ इश्यू से रिले तक जाने वाला जो ग्राउंड वायर है वो फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि ये इश्यू इतना एडवांस नहीं है कि इसका ओपन सर्किट रिले, रेडर फैन रिले ओपन सर्किट का कोड इसमें जनरेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम यहाँ से वहाँ तक का ग्राउंड वायर कौन सा है, कैसे चेक करना है, वो मैं अभी लगे आपको चेक कराता हूँ। ये ब्लू वायर का जो लोकेशन है बीच का, ये देख पा रहे हैं पाँचवें नंबर पिन पे, बीच वाला पाँचवा नंबर पिन। तो ये हमारा तीन लाइन है, तीन लेयर है, 1, 2, 3, तो बीच का पाँचवा इधर से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसको मैं करता हूँ बाईपास, मैंने जो पिन आपको गिनाया ये वही पिन है। इस तरीके का इश्यू बैक साइड से है, वेरिएंट आपका अल्टो, वेगनार, एलएक्सआई, बीएक्सआई है ना, ये तीन कपलर वाले जेन जो जेन में है, जिप्सी में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से 1, 2, 3 लेयर है, इधर से 5, 1, 2, 3, 4, 5। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए। तो ये वाला नीचे का जो बेस है ये 1, 2, 3 ग्राउंड है, तो इसमें हम ग्राउंड ले लेंगे, ग्राउंड से ऑपरेट होगा। और बीच का पांच हमने बोला था, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये है। तो यहाँ से ऑन करने, ये सट करने, सटाने से फैन चल रहा है हमारा, हमें साउंड आ रहा है, लेकिन आपको वहाँ दिखा, तो जैसा कि आपने देखा वहाँ पे हमने चेक किया तो हमें वायरिंग का जो रिज़ल्ट था वो कंफर्म हो गया, 110% रिज़ल्ट कंफर्म हो गया कि वायरिंग में फॉल्ट नहीं है, फॉल्टी हमारा इश्यू है, वहाँ से कमांड सप्लाई नहीं आ रहा है, इसके वजह से वो रिले एक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका इश्यू रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद इसका हम रिज़ल्ट आपको सिस्टमेटिक चेक कराते हैं और एसी पे भी चेक कराएंगे। तो फिर से रिटर्न हम आ गए हैं अपने वीडियो में, इसमें हमने रिपेयरिंग कर लिया है, रिपेयरिंग करके उसको फुल फाइनल कंप्लीट कर दिया है। अब इसका हम सबसे पहले एक्चुएशन टेस्ट लेंगे, और एक्चुएशन टेस्ट के लिए हम डायग्नोस्टिक प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे। मारुति इंडिया 1680 का वर्जन चल रहा है, ओल्ड मीनो हमने अल्टो में किया था, जो कि हमारी वेगनार गाड़ी थी, लेकिन हमने अल्टो में किया था, अल्टो में हम वही प्रोसेस को सेम फॉलो करेंगे।
तो एक्चुएशन टेस्ट, रेडर फैन कंट्रोलर, टर्म कंडीशन ओके, यहाँ से कमांड देंगे, ये कमांड ऑन हो गया। सेम कंडीशन है पीछे का ही जो पिछली बार था, लेकिन इस बार हमारा फैन ऑन है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि अभी स्कैनर हम आगे ले आ सकते हैं, आपको वहाँ से लाइव दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं कमांड भी दे रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑन पे लगाया बटन, ऑन पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा फैन ऑन हो गया। अभी यहाँ पे मैं ऑफ पे क्लिक करूँगा, ये ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो कमांड अभी ऑफ का है तो ऑफ है, ऑन का कमांड सिस्टम में है तो फैन हमारा ऑन है, तो ये सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ ऑफ हो गया, तो ये वर्क हमारा डन होता है। अभी इसका जितना भी प्रोसेस है सब ऑटोमेटिक काम करेगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जो हमने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, आप कहीं टेम्परेचर आपका हाई हो रहा हो, अल्टो मारुति वेगनार कोई भी, रेडर फैन का लोकेशन वही है, वहाँ से आप बाईपास करके अपनी गाड़ी का फैन ऑन करके आप चल सकते हैं अपने नियर वर्कशॉप में, नज़दीकी गैरेज में पहुँच के अपना काम कंप्लीट करवा लें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।